तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर हम लेकर आए हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय से, जहां नगरी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण प्रक्रिया शुरू कर दी गई। शुरुआती दौरे में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक रीवा शहरी क्षेत्र के 45 वार्डों का आरक्षण कर दिया गया है, जिसमें 17 वार्ड आरक्षित है। यह आरक्षण पूर्व में 28 जुलाई 2021 को किए गए आरक्षण के आधार पर निर्धारित किया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का आरक्षण जारी है, जिसमें जिला पंचायत और जनपद पंचायत क्षेत्र का आरक्षण किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय से, जहां आरक्षण प्रक्रिया चालू कर दी गई है। रीवा शहरी क्षेत्र के नगर निगम इलाके के 45 वार्डों का आरक्षण कर दिया गया है, जिसमें 17 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, बाकी सभी वार्ड अनारक्षित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के जनपद और जिला पंचायत का आरक्षण फिलहाल किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र की जो सूची अब तक निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक अनुसूचित जाति वालों के लिए आरक्षित वार्ड 28, 40, 38 और 39 हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक 1 और 4 हैं। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक 8, 16, 32, 41, 3, 12, 18, 29, 36 और 35 हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति वार्डों के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जात महिलाओं के लिए अनारक्षित आरक्षित वार्ड क्रमांक 39 और 40 है।
अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डो में से अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक एक है। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डो में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण वार्ड क्रमांक 8, 32, 41, 3, 12, 29 रखा गया है, जबकि अनारक्षित महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड क्रमांक 2, 7, 9, 11, 15, 17, 22, 23, 25, 30, 31, 47, 44 रखा गया है। वहीं अनारक्षित मुक्त जिन वार्डों को रखा गया है उनमें वार्ड क्रमांक 5, 6, 10, 13, 14, 19, 21, 24, 26, 27, 33, 34, 42 और 45 हैं। शहरी क्षेत्रों के वार्डों के आरक्षण के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया जारी है। आरक्षण प्रक्रिया के दौरान तेज आंधी और बारिश से अव्यवस्था भी नजर आई है। इस दौरान कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर लगा टेंट हवा में उड़ गया, वहीं लोग भागते भी नजर आए। देखिए, जो माननीय उच्चतम न्यायालय और मध्य प्रदेश शासन और चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के निर्देश थे, उस निर्देश का पालन जिला प्रशासन ने नहीं किया है। तकनीकी रूप से आज का निर्णय जो जिला प्रशासन ने लिया है वह त्रुटिपूर्ण है और कानून माने विसंगत नहीं है। होना ये चाहिए था कि एक्चुअल में जो आयोग की अनुशंसा है और माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है तो उसके परिपालन में आरक्षण का रेशियो परसेंटेज यही होगा, पर चूंकि चुनाव आयोग पुनः आरक्षण करा रहा है अतः इनको इसी परसेंटेज पर पुनः आरक्षण करना चाहिए था। जो भी वार्ड जिस नंबर के लिए आते वो भी सम्मत होता। क्या ये माना जाए कांग्रेस पार्टी अब कोई विधिक रास्ता देखने की तैयारी करेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी की बात इसमें नहीं। कांग्रेस पार्टी तो वर्तमान सरकार के निर्णय से पहले ही वर्तमान सरकार के निर्णय के विरोध कर चुकी है, क्योंकि हम ओबीसी के लिए 27% न्यूनतम आरक्षण चाहते थे, पर अब चूंकि उच्चतम न्यायालय का निर्णय आ चुका है इसलिए मैं उस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारी पार्टी पिछड़ा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेगी, पर आज का जिला प्रशासन का ये निर्णय परसेंटेज आप यही रखते हैं, पर आरक्षण इन्हें पुनः करना चाहिए था जो विसंगत होता। जिला प्रशासन का कहना है कि वार्डों में जब कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई, उसमें कुछ नई चीज़ें नहीं हुई है, इसलिए उसी गाइडलाइन के तहत इन्होंने आरक्षण तय किया। नहीं, वो गाइडलाइन नहीं लागू होगी, गाइडलाइन तो आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिपेक्ष में होगी ना। ये रिकमेंड किया है कि जब अगर पुनः कुछ चेंजेस हुए आपके नगर निगम वार्डों, अगर वार्ड बढ़ाए गए हों तब इसमें ओबीसी आरक्षण को बढ़ाया जाना उचित था, पर बढ़ाया गया नहीं। नहीं भैया, थोड़ा सा मैं आपके प्रश्न को संशोधन करना चाहूँगा। एक्चुअल में ये निर्णय उनके लिए था जहाँ वार्ड की संख्या या नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत के क्षेत्र का परिसीमन किया गया था, क्षेत्र बढ़े थे घटे थे जो भी था, वहाँ वार्डों का स्वरूप बदला है। रीवा नगर निगम में कोई वार्ड का स्वरूप नहीं बदला है, और जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है तो रीवा शहर के रीवा नगर निगम में ओबीसी की आबादी 25% के आसपास है, तो उस हिसाब से आरक्षण का परसेंटेज तो ठीक है, पर जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी, जो निर्देश आए हैं वो परिपत्र मेरे पास भी हैं, तो उसके हिसाब से उसी परसेंटेज पर आज इन्हें पुनः आरक्षण करना चाहिए था। वार्डों की संख्या यही रहती, जो ओबीसी के लिए 11 रिजर्व रहते, हरिजन आदिवासी के लिए जो 6 वार्ड रिजर्व हैं वही होते, पर वार्डों का क्रम हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तित होता और री आरक्षण का यही मतलब था, पर जिला प्रशासन ने ये करके अपना समय जाया किया। रीवा शहर की आज नगरीय निकाय एवं पंचायत के पदाधिकारियों के आरक्षण पद के लिए चुनाव आरक्षण किया जाए, क्या व्यवस्था है, क्या गाइडलाइन? जैसा कि आप देख रहे होंगे, परिसर के बाहरी हिस्से में ग्रामीण क्षेत्रों का आरक्षण किया जा रहा है। वहाँ पे जिला पंचायत की और सभी जनपद पंचायतों के अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था बनाई गई है। बाहरी इलाके में जिला पंचायत के वार्ड का, जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और वार्ड का, और ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया हो रही है। मोहन सभागार में नगर निगम रीवा और सभी नगर पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही की जा रही है। ये संपूर्ण कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश, जो पिछड़ा वर्ग आयोग हैं उनके रिकमेंडेशन, और पंचायत एवं जो नगर विकास विभाग है उनके निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है। बहुत सारा आरक्षण कंप्लीट हो गया, हम लोग उम्मीद करते हैं कि शाम तक ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। नगर निगम में किस हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है? नगर निगम रीवा में जो रिकमेंडेशन है और जो सुप्रीम कोर्ट के
निर्देश हैं उसके अनुरूप जब परीक्षण किया गया है तो ये पाया गया है कि यहाँ जो आरक्षण किया गया था उसमें किसी तरह के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रिकमेंडेड प्रोपोर्शन है और जो रिकमेंडेड ओबीसी के वार्ड हैं उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है।